पहले हम सिंपल सा एक रिबन बनाना सीखते हैं, तो उसके लिए मैंने एक स्क्वायर शेप बनाया, और अब रिबन के लिए मुझे ऐसे और शेप्स रिक्वायर्ड होंगे, तो मैं यहाँ से इसके ऊपर कलर दे देता हूँ, सपोज टू बी ये वाला, और इसी का एक छोटा पीस ले लिया मैंने ऑल्टर के साथ, वो पीस एज कम्पेयर टू इसके छोटा था, उसको उठा के मैंने इसी के पीछे इस तरह से रख दिया और राइट बटन दबा के इसको सेंटर बैक कर दिया। अब दोनों एक जैसे ही लगेंगे, तो वेरिएशन कैसे लाएंगे, आगे वाला अगर रोशनी ज़्यादा पड़ती है तो पीछे वाला डार्क होता है, तो इसको आगे वाले को हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं वर्जन में, और इसको हम थोड़ा डार्क रहने देंगे, तो वेरिएशन निकल आएगा। दोनों की कनेक्टिविटी कैसे होगी कि ये थोड़ा ऐसा लगे कि ये इसके साथ है, रिबन रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ये वाला सेगमेंट। इसके बीच में ऑल्टर के साथ एक डुप्लीकेट और ले लिया, और जो इससे छोटा होगा एज कम्पेयर टू, और उसको अब इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे कलर के अंदर, ताकि ये थोड़ा लगे कि इससे मुख्तलिफ है। ये देखें इस तरीके से इसको उठा के हमने इसके इस कॉर्नर पर रखा, अब कॉर्नर पर रखा तो ये तो ऊपर रह गया, ये किस तरह से होगा, इसको उठा के क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दोनों इस तरह से ऊपर करेंगे, उसके बाद क्लिक करके इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, अब कनेक्ट कर देंगे इसको इसके साथ। ये एक सिंपल सा 2D रिबन बन गया, जिसमें इफेक्ट 3D का है। आप क्लिक करेंगे दोनों को, ग्रुप कर देंगे इसको, क्लिक करेंगे फिर दोनों को, रिफ्लेक्शन लेंगे, इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, ये रहा इसका सेंटर पॉइंट, ये देखिए यहाँ रखेंगे, थोड़ी देर आपको हल्का सा ब्लू पॉइंट नजर आएगा, थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, तो ये रहा इसका सेंटर पॉइंट, ऑल्टर के साथ क्लिक करेंगे, कॉपी ले लेंगे, ठीक है, ये बन गया इसका सिंपली 2D रिबन इस टाइप का होता है। अब इसका नेक्स्ट वर्जन की ये फ्लैप में हो, मतलब थोड़ा सा राउंड हो, तो वो कैसे बनाएंगे इसका वर्जन, इसको उठा के हम यहाँ रख लेते हैं, अब इस पर काम करेंगे, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब इसको राउंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से एक पैनल मिलेगा विंडोज में जाके अपीरियंस का, खोल के यहाँ रख लेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, विंडोज में जाएंगे, यहाँ एक वार्प इफेक्ट मिलेगा आपको, उसमें वार्प में आप आर्क लेंगे, आर्क का 50% नेगेटिव कर देंगे, तो ये देखेंगे इस तरह से हो जाएगा, इसको ओके कर देंगे, ये इफेक्ट इस पर अप्लाई हो जाएगा। इस इफेक्ट को जब भी चेंज करना है इस पर क्लिक करेंगे, अपीरियंस के पैनल में आएंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, और उसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, फिर आपने क्या करना है, ये जो छोटे वाले आपने बनाए थे ना, चले गए, ये इसी का इस तरह के दो छोटे मोटे पीस बनाने हैं आपने, एक पे वार्प पॉजिटिव देना है, एक पे नेगेटिव करना है, दोबारा से वार्प आर्क इफेक्ट, एक पे नेगेटिव दे दें, आर्क आर्क के बाद नीचे आएंगे, आर्च इफेक्ट है, -50% क्या, ठीक, इस पे क्लिक करेंगे, यही इफेक्ट हमें दूसरे पर देना है,